एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करती हूँ फ्रेंड्स आप सबका फूड एंड रेसिपी चैनल में। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही तीखी और चटपटी टमाटर की चटनी। इसे बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो लगभग सभी घरों में आसानी से मिल जाती है। तो चलिए अब हम लोग रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। मैंने ले लिया है पके हुए 5 टमाटर। टमाटर पके हुए हों तो अच्छा है, गल जाएंगे आसानी से। 3 छोटे प्याज को ले लिया है। 6 लहसुन की कलियां ले ली है, बड़ी कलियां हैं, इसे भी बारीक चॉप करेंगे। और मिर्च भी ले लिया है थोड़ा सा, आप चाहें तो ज़्यादा मिर्च ले सकते हैं, मैंने 5 से 6 लिया है। सबको हम लोग बारीक चॉप कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सब चीज़ों को बारीक काट लिया है, लहसुन को, मिर्ची को, प्याज को और टमाटर को। तो आप पैन को गर्म करेंगे और उसमें 7 टेबल स्पून हम लोग तेल को ऐड कर देंगे। तो अब ले लेंगे हम लोग आधी छोटी चम्मच जीरे को, आधी छोटी चम्मच सरसों को और 1/4 छोटी चम्मच सौंफ और 2 मैंने मिर्च को तोड़ लिया है। और सब मसाले जो हैं वो खड़े मसालों का मैंने यूज़ किया है। और पहले इसका तड़का लगाएंगे इस तरह से, और उसके बाद हम लोग प्याज को, मिर्च को जो काट लिया था और लहसुन को इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद तेल में हम लोग इसे लाइट गोल्डन करेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है प्याज को। और थोड़ा सा करी लीफ को भी इसमें हम लोग ऐड करेंगे। और इस तरह से हम लोग हल्का सा इसे गोल्डन करेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं इसे करना है, लाइट गोल्डन रखना है हमें। और अब टमाटरों को ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसे थोड़ा सा चला लेंगे, स्वाद के अनुसार नमक को ऐड कर देंगे, जो आधी छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर को ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर को ऐड करेंगे। अब सबको चला लेंगे। और ढक करके इसे बिल्कुल लो फ्लेम में पकने देंगे। इसमें मैंने कुछ भी पानी नहीं डाला है, इसे ऐसी तरह से पकने देंगे। बीच बीच में हम लोग चला लेंगे ताकि नीचे से हमारा जो टमाटर वो चिपक ना जाए कढ़ाई के तले में। और फिर से हम लोग उसे ढक करके पकने देंगे। अब हमारे टमाटर लगभग बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसे चलाते हुए हम पकाएंगे और एक्स्ट्रा पानी जो लग रहा है वो सूख जाएगा इसमें। इस तरह से इसे मैश करेंगे और मैश करते हुए इसे हम लोग पका लेंगे धीरे धीरे। मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखा है और बीच बीच में आप मीडियम कर सकते हैं। और इस तरह से हमारी टमाटर की ये चटनी, तीखी चटनी बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। इसे आप इडली के साथ, डोसे के साथ, चावल, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।